साहेबगंज जिला बरहुआ प्रखंड के चमड़ा चौक और बाराली के बीच एक काउंटर था। उस काउंटर को तोड़फोड़ कर दिया है गांव के महिला और उनका गांव वालों ने मिलकर, क्योंकि जब नशा करता है तब घर वालों को बहुत तकलीफ होता है, इसीलिए सब ने मिलकर जाकर उस काउंटर को तोड़फोड़ कर दिया है। तब पुलिस आया और बहुत हुआ घटना। तो देखते हैं इस वीडियो में पूरा खबर। साहेबगंज जिला बरहुआ थाना क्षेत्र बाराली से चामरा चौक के बीच सत्तर नारायण का लाइसेंस वाला शराब दुकान को शराब बिक्री बंद करने का मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। वही सूचना मिलने पर बरहुआ थाना का पुलिस वहां पर हाजिर हुआ। पुलिस ग्रामवासियों को समझा रहा था। इसी बीच गांव वालों की तरफ से पत्थरबाजी और पुलिस की तरफ से लाठी फायरिंग शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस ने तीन गोली हवा में फायरिंग की और फिर भागदौड़ मच गई। बेकाबू भीड़ गोली चलने के बाद भी नहीं भागी और वहां से पुलिस को खदेड़ दिया। गांव वालों का कहना था कि यहां पर शराब की दुकान नहीं चलने देंगे, हम सिर्फ शराब की दुकान बंद करेंगे। और इसी पत्थरबाजी में पुलिस का वाहन भी तोड़फोड़ हो गया, उसका शीशा तोड़फोड़ हो चुका है। मामले को लेकर एसजी जीपीओ प्रमोद मिश्रा, बीडीओ विधायक प्रतिनिधि बरकत खान और कई पुलिस वालों ने मिलकर किसी तरह ऐसे मामले को बहुत अच्छे से ही शांत कराया। ग्रामवासी महिलाओं का कहना है कि हम लोग केवल शराब की दुकान बंद करवाना चाहते हैं, पर प्रशासन ने हम लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया तो मजबूरन हम लोगों को पत्थरबाजी करना पड़ा। वही पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। शराब की दुकान की ओनर ने कहा 10 से 15 लाख रुपए की भीड़ ने लूट ली है और आग लगा दिया है और दुकान जलाने के साथ साथ कई पेटी शराब भी जलाया गया है। पुलिस गंभीर से जांच कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में ही जानकारी था आप लोगों को देना, तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।